हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जु और मैं आपको स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। हम आप हमको प्यार दे रहे हैं, हमारे वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी प्लांट के बारे में बताने वाली हूँ। वो एक आउटडोर प्लांट है। आप सभी को इंडोर प्लांट के बारे में बहुत ही ज़्यादा आइडिया होगा, लेकिन आउटडोर प्लांट के बारे में आपको बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। ये है मेरे पापा और ये देखिए वो खड़े हैं एक पौधे के पास। हमारे पापा को बहुत सारा पेड़ पौधों का जानकारी है, तो इस वो हमारे घर पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। इसी के अंदर मैं आपको एक बहुत ही अच्छा गुणकारी औषधिकारी एक पेड़ के बारे में बताऊंगी। इसका नाम है सर्पगंधा और उड़िया में इसको पाताल गरुड़ को बोलते हैं। पाताल गरुड़ इसीलिए बोलते हैं कि उसका जड़े मिट्टी के अंदर बहुत ही अंदर तक जाती है, तो इसको पाताल गरुड़ बोलते हैं। इस पौधा सिर्फ 1 या 1.5 फीट तक बड़ा होता है और ये बैसाख के महीने में सूख जाता है। फ्रेंड्स ये देखिए, हम आपको नजदीकी और दिखा रहे हैं इस पेड़ को। देखिए इसका फल है, ये पका हुआ है, ठीक है। और ये काले वाला ये अच्छी तरह से पका हुआ है। ये देखिए मैं आपको ले तोड़ के भी लाई हूँ। ये देखिए इसका फल है और ये है कच्चा फल। ये ग्रीन ग्रीन जो है ये कच्चा फल है और इसके औषधीय गुण के बारे में आपको बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका पत्ता कितना सुंदर है। इसका औषधीय गुण के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। देखिए इस पेड़ की पत्ते को आप चूर कर उसके रस के साथ अगर शहद मिलाकर खाएंगे तो आपको बात कफ आदि समस्या का निवारण होगा। और एक औषधीय गुण है, अगर आप दिमाग के मरीज हैं कि और को आपके घर में कोई दिमाग का मरीज है, तो आप इसकी जड़ को चूर कर उसके रस को अगर काली मिर्च के पाउडर के साथ पिएंगे तो आपको दिमाग की बीमारी से भी आपको राहत मिलेगी। अगर आपको स्किन का प्रॉब्लम है, इसके आपकी स्किन के ऊपर कोई भी स्पॉट आ चुका है, वो नहीं जा रहा है, इस पेड़ उस समस्या का भी समाधान होगा। कैसे मैं बताती हूँ। इसके पत्ते को अगर आप चूर कर उसके साथ अश्वगंधा का चूर्ण और शहद के साथ मिलाकर 7 बार खाएंगे तो ये आपको चर्म की समस्या से भी दूर रखेगा। आपके घर के अंदर अगर कोई सांप है वो नहीं जा रहा है, तो ये भी इसका सलूशन इस पेड़ ही देगा। एक काम करिए, शनिवार या रविवार को इसकी जड़ को लाकर उसके रस को चूर कर जिस जगह पर आप सांप रहता है उस जगह पर डाल दीजिए, वो सांप आपके घर छोड़कर चले जाए। मैं आपको बचपन की एक बात बताती हूँ। बचपन में हमें जो सफेरा होते हैं वो सांप को जंगल में पकड़ कर लाकर हमारे यहाँ खेल दिखाते हैं। वो कैसे पकड़ते हैं मैं आपको बताती हूँ। इसकी जड़ को वो ऐसे ऐसे कर सांप को सूंघा देते हैं वो, और वो सांप मोटिवेट हो जाता है और वो सफेरे सांप को पकड़। इस पेड़ का और एक फायदा ये है कि अगर आप पुष्य नक्षत्र में उसके जड़ को आपको आपके बच्चे को देंगे या फिर उसके गले में लगा देंगे, तो 1 साल तक आपके बच्चे को सांप के काटने के डर से आप दूर हो जाए। इस पेड़ का और एक लाभदायक गुण मैं आपको बताती हूँ। रोहिणी नक्षत्र में इस पेड़ की जड़ को अगर आप लाकर सुखा कर रखेंगे और आप कोई भी काम को जाइए, किसी भी आपका नामुमकिन सा काम हो क्यों ना हो, इस जड़ को पकड़ के जाइए, देखिए आपका काम एकदम हो जाएगा।